हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए टू जेड फैब्रिकेशन टिप्स। हम लोग आज 250 NV पाइप का 90 डिग्री माइटर बैंड 600 रेडियस के साथ 5 कट में बनाएंगे। उसका टोटल फॉर्मूला और थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं 250 NV पाइप का ओडी और सीएफ कितना है। ओडी होता है 273 और सीएफ होता है 874.4। हम लोग 8 सेंटर लाइन से बनाएंगे, तो सीएफ को पहले 8 से डिवाइड कर लेते हैं सेंटर लाइन मार्क करने के लिए। तो क्या करना होगा, 874.4 डिवाइडेड बाई 8, तो कैलकुलेशन करने से आता है 109.3। ये जो हम स्केच करके रखे हैं, एक सेंटर लाइन से दूसरा सेंटर लाइन का दूरी होगा 109.3। ऐसा करके 8 सेंटर लाइन आपको मार्किंग कर लेना है। अभी आता है काट डिग्री निकालने का, मतलब पाइप कटिंग जो डिग्री है वो निकालने का। इसके लिए क्या फार्मूला है आज बना है, इसके लिए जो फार्मूला है वो है बैंड डिग्री डिवाइडेड बाय काट, मतलब आप कितना काट में बैंड को बना रहे हैं उसके साथ, इनटू 2। तो इसको हम लोग का अपना जो बैंड बनाएंगे उसके हिसाब से हिसाब करने से आएगा। बैंड डिग्री हम लोग का है 90, उसके बाद डिवाइडेड बाई काट, हम लोग कितना काट में बनाएंगे 5 इंटू 2, तो होता है आता है 90/10, मतलब 9 डिग्री। मतलब ये जो काटिंग है, एक पाइप का काटिंग 9 डिग्री में हम लोग को काटना है इसका। तो अब जाके हम उसी हिसाब से अगर पाइप को काटेंगे तो हम लोग का परफेक्ट बैंड बनेगा। उसके लिए जो काट बैंड निकालने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है 10 से हमको, हम लोग को 10 का सहारा लेना है। 10 काट डिग्री, मतलब पाइप जो डिग्री में काटेगा, 10 काट डिग्री इनटू पाइप ओडी डिवाइडेड बाय 2, मतलब हम लोग का कितना डिग्री निकला है, 10 9 डिग्री निकला है, मतलब 10 9 इनटू पाइप ओडी डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10 9 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 9 का वैल्यू होता है 0.158 और पाइप ओडी होता है 273 डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेशन करने से 21.6। ये हो गया कटबैक। हम जो पाइप बैंड बनाने जा रहे हैं इसके कटबैक होगा 21.6, मतलब 250 NV पाइप का 90 डिग्री बैंड 5 कट में बनाने से उसका कटबैक आएगा 21.6। ये तो हो गया 90 डिग्री वाला कटबैक। हमको 45 डिग्री वाला भी कटबैक निकालना है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग को साइन का सहारा लेना है, मतलब साइन 45। एक बार ध्यान रखें, जितना डिग्री में आपका सेंटर लाइन है उतना डिग्री साइन के साथ लेना है। साइन 45 मेरा 45 डिग्री का सेंटर लाइन है इनटू कटबैक। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 0.707 इंटू कटबैक, मतलब 21.6। तो कैलकुलेशन करने से आता है 15.27, मतलब 45 डिग्री का कटबैक होगा 15.27। अब सवाल आता है, हम जो ये पाइप में राइट एंगल मार्क करके रखे हैं कुछ कुछ दूरी में, इसका मापी कैसे निकाले। इसके लिए जो फॉर्मूला है वही 10 का सहारा लेना है। 10 पाइप कटिंग डिग्री, मतलब जितना कटिंग में, जितना डिग्री में हम लोग पाइप को काट रहे हैं, 10 पाइप कटिंग डिग्री इनटू रेडियस इज इक्वल टू साइड पीस, मतलब 10 9 इंटू रेडियस। हम लोग का कितना रेडियस है, हम लोग 600 रेडियस में बनाएंगे, बहुत लॉन्ग रेडियस में। तो 10 9 का वैल्यू होता है 0.158 इंटू 600 इजक्वल टू 95। कैलकुलेशन करने से, मतलब ये जो साइड वर्क का पीस होगा, दो पीस इधर एक और इधर एक, दो मुंडी में दो जो पीस है, इसका लंबाई होगा 95 mm। अभी बचता है बीच वाला, बीच वाला का मापी कितना होगा,
साइड पीस इंटू टू, साइड पीस इंटू टू इज इक्वल टू मिडिल पीस। साइड पीस का हम लोग का लंबाई है 95 इंटू टू इज इक्वल टू 190, मतलब ये जो मिडिल वाला चार पीस है इसका लंबाई होगा 190 mm। ये चार पीस है, चार पीस का लंबाई होगा 190 mm। अभी तो हम लोग का पाइप का लंबाई भी निकल गया, कार्डबैक भी निकाल चुके हैं, तो अभी कार्डबैक डालना है। कार्डबैक कैसे डालना है, पहले जो हम लोग राइट एंगल मार्क करके रखे हैं इसका बाएं ओर हम लोग लेंगे, तो बाएं ओर 90 डिग्री में हम लोग को डालना है। तो हम लोग का कितना कार्डबैक निकला है 21.6, ये जो कार्डबैक है ये 90 डिग्री में डालना है 21.6। हम लोग जो पाँच कार्ड किए हैं पाँच जगह हम लोग को डालना है। वैसे इधर 90 डिग्री में भी वही से होगा, लेकिन इधर राइट एंगल का बाएं ओर हुआ है, नीचे होगा राइट एंगल का दाएं ओर। और यहाँ राइट एंगल बाएं यहाँ हुआ है या दाएं हुआ, ऐसे हर जगह उल्टा होते जाएगा। ऐसा करके करने से आपका 90 डिग्री बैंगन परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक फार्मूला है और 100% जेन्युइन फार्मूला यही होता है। दूसरा कोई भी फार्मूला आप यूज कीजिएगा उसमें थोड़ा बहुत आउट होगा ही होगा, लेकिन इसमें आउट होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप सही तरीके से मेजरमेंट निकाल के उसको मार्किंग करके बैंड बनाए तो कोई आउट होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।